कहाँ से? पार्क सबका रहना चाहिए। छोटे से पार्क में एक अंकल की दुकान है। यहाँ पर पार्क है भाई, शानदार छोटा सा पार्क बनवा के रखे हैं। मैं आपको जैसे थोड़ी सी डेमो देता हूँ उनके। पर है वाटर पूल, वो जो रहते हैं ना पूल स्विमिंग पूल वाटर पूल, यहाँ पर वो अंकल ने जो है छोटा सा वो बना रखे हैं झूला। जैसे मैं आपको झूला, ये देखो ये छोटा सा पार्क है, तो भाई पार्क जैसे सेम फील देता है। और वहाँ पर एक साइकिल है जो बहुत पुरानी है, उस साइकिल को अंकल ने रीयूज करके ऐसा बना दिए। और यहाँ पर स्लाइड है, यहाँ पर छोटे छोटे झूले हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे झूले हैं भाई। मस्त पार्क है, इस पार्क के लिए एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर पापा जी झूल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर मस्त मजे में झूल रही है। तो ये पार्क, मजेदार पार्क, छोटा सा पार्क, और वहाँ पर वाटर पूल तो सबसे शानदार है, एकदम शानदार पार्क है। ये जो पार्क डेवलप किया गया है अपने घर पे ही, ये प्रदीप स्वामी सर हैं जिन्होंने हर वो पुरानी सामग्री या जो यूज में नहीं आने वाली चीज थी उसका यूज करके इन्हें ये डेवलप किया है। और हर वो चीज यहाँ पे उन्होंने तैयार करने की कोशिश की है कि जो बड़े बड़े पार्कों में होता है, चाहे गार्डनिंग का ले लें आप, ये गार्डनिंग का देखिए सुंदर सुंदर फूल क्यारी बना के उसमें लगाए गए हैं। ये और अभी अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेसिंग वर्क भी है अभी यहाँ चल रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए प्रबंध किया गया है। और ये ग्रीन ग्रीन घास, ये और इधर स्विमिंग पूल तैयार।
शिकार हो रहा है ये छोटे बच्चों के लिए और रेत में खेलने के लिए ये रेत ये स्लाइडर्स और ये पुरानी एक साइकिल है उसका इतने सुंदर ढंग से यूज किया है स्वामी जी ने उसको बनाया है और उसमें डेकोरेट किया है ट्रेडिशनल चीज लगा के और एक बहुत पुरानी लूना गाड़ी रखी हुई है उसको भी अंडर प्रोसेसिंग में है उसमें भी कुछ वहाँ बनाया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए छोटे से झूले हैं यहाँ पर ये झूले हैं साथ में एक पूल है स्विमिंग पूल भाई यहाँ पर वो साइकिल है ये साइकिल हुई है जो साइकिल की मदद से उसको अच्छा दिखा रहा है साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं यहाँ पर जो पेड़ दिख रहा है वो पेड़ भाई मतलब पूरी सुंदरता वो पेड़ दिखा रहे हैं यहाँ पर ये चार पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे पौधे ये एक नंबर है साथ में ये जो दिख रहा है ये बहुत प्यारा है और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर जो ये जो पोल है इनमें अपना तिरंगा का ऑरेंज वाइट कलर गाइस वहाँ पर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना वो सेल्फी पॉइंट है जहाँ वो जो निवार लगी वो सेल्फी पॉइंट है सेल्फी 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 पॉइंट 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 भाई बेस्ट मैं इस घर को
बेस्ट हाउस अवार्ड देना चाहूँगा। बेस्ट हाउस, यहाँ पर छोटे से पार्क है, बहुत सारे झूले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, मस्त घर है। दोस्तों स्वामी सर व्यक्तित्व के धनी, यह हमें बाद में पता चला कि इन्हें गार्डनिंग पार्किंग इसका भी शौक है। और जब उनसे पूछा गया सर इतना बड़ा सेटअप आपने कैसे तैयार किया, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने ये सब चीज़ें जो कबाड़ में रहती हैं, पाइप्स वगैरह, वेल्डिंग मशीन, कई जगह से मैंने जो अनयूज्ड रहती है उन सामग्री को इकट्ठा किया और घर में ही मैंने पूरा सेटअप तैयार किया है वेल्डिंग करके और दूसरे सामग्री अरेंज करके। तो इनका जो हमने कार्य के प्रति जो लगाव देखा ये अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, आदर्श शिक्षक रहे हैं और जब आपसे मिलेंगे, जब आप इनसे मिलेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इनके व्यक्तित्व से हम कितने प्रभावित हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।